केंद्रीय सूचना प्रसारण खेल एवं युवा सेवाएं मंत्री अनुराग ठाकुर के हमीरपुर दौरे को लेकर जिला भाजपा ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अनुराग ठाकुर के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद हमीरपुर अपने गृह जिला के पहले दौरे के लिए कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह है। अनुराग ठाकुर 22 अगस्त को हमीरपुर के नदौन विधानसभा क्षेत्र के कलोहा से हमीरपुर में आएंगे और 23 अगस्त तक वे हमीरपुर में ही रहेंगे। इस जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जिला भर में बड़े बड़े होल्डिंग्स और पोस्टर भी लगाए गए हैं। यही नहीं, जिला मुख्यालय के अलावा पांचों विधानसभा क्षेत्र बड़सर, नदौन, सुजानपुर और भोरंज में स्वागत के लिए भी सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं ताकि अनुराग ठाकुर के स्वागत में कोई कसर नहीं रहे। जिला भाजपा अध्यक्ष बलदेव शर्मा ने कहा कि अनुराग ठाकुर के स्वागत के लिए हमीरपुर जिला भाजपा के द्वारा भव्य तैयारियां की गई हैं। सर्वप्रथम 22 अगस्त को अनुराग ठाकुर कलोहा में पहुंचने पर सभी लोग उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने बताया कि जिला में जगह जगह पर पांचों विधानसभा क्षेत्रों में होल्डिंग्स भी लगाए गए हैं। जन आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं के अलावा जनता में भी भारी जोश है। जन आशीर्वाद यात्रा जो हमीरपुर जिले में आ रही है उसके लिए जिला भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत की पूरी तैयारी कर ली है और हमारे जिला के लिए हमारे लिए फख्र की बात है कि केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की कैबिनेट में आदरणीय हमारे छोटे भाई अनुराग ठाकुर जी को कैबिनेट में मंत्री बनाया है, प्रमोट किया है। उसके लिए हम नरेंद्र भाई मोदी जी की तो ऋणी हैं और हमीरपुरवासी कई दिनों से सोच रहे हैं कब भाई साहब आएंगे, उनका हम स्वागत और वेलकम करेंगे। और जैसे कि पूरे हिमाचल में 19 तारीख से पूरे हिमाचल में जन आशीर्वाद यात्रा चली है, पूरे जोश से वहाँ उनका स्वागत वेलकम किया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि उससे भी ज़्यादा हम लोग यहाँ उनका स्वागत और वेलकम करें। हमारा ज़िले में तो 22 तारीख को कल 3 बजे कलूर से हमारे ज़िला के लोग वहाँ से रिसीव करेंगे, उसके होते हुए नदौन में और जगह जगह में स्वागत उनका है जन आशीर्वाद यात्रा का। उसके बाद हमीरपुर मंडल के लोग जनियारी में रिसीव करेंगे, उसके उपरांत 22 तारीख को ही रात को यहाँ रात्रि ठहराव भी है और यहाँ प्रेस वार्ता भी है और यहाँ भोजन भी रात को यहाँ डिनर भी रखा है। उसके बाद सुबह 23 तारीख को यहाँ से जो उनकी कुलजा है वह देवी मंदिर में जाएंगे, वहाँ माता जी का देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद कोट, कलंजरी, टौनी देवी होते हुए गांधी चौक में 10:30 बजे भारी जनसभा को संबोधित करेंगे 23 तारीख को। और उसके उपरांत डीडी में टिकर होकर बड़सर विधानसभा क्षेत्र में ठीक 1 बजे प्रवेश करेंगे, जहाँ मारसू में एक कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम रखा है वहाँ भी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके उपरांत भोटा के अंदर रेस्ट हाउस में जहाँ लंच करना है और उसके उपरांत सलोनी में 2 बजे कार्यक्रम है स्वागत का जन आशीर्वाद यात्रा का। उसके बाद गाली चौक महरे में वहाँ भी जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत है, भाई जी वहाँ आशीर्वाद भी जनता से हम प्राप्त करेंगे। उसके उपरांत बड़सर होकर ऊना को यात्रा वहाँ पर प्रवेश करेगी। कांग्रेस पार्टी के द्वारा जन आशीर्वाद रैली पर उठाए गए सवालों पर बलदेव शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मुद्दावहीन हो चुकी है, इसलिए हर बात का मुद्दा बनाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि संसद में भी कांग्रेस पार्टी ने सरकार में आए नए मंत्रियों के परिचय देने से प्रधानमंत्री को रोका, जो कि अशोभनीय था। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर के सफल कार्यों को देखकर प्रधानमंत्री ने उन्हें प्रमोट किया है, जिससे प्रदेशवासियों को गर्व होना चाहिए। कांग्रेस के पास करना कोई मुद्दा है, ना कोई नीति है, ना कोई नेता है। कांग्रेस के पास कोई प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ विरोध के लिए विरोध ही करना है। आपने देखा कि कभी पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री जहां भी मंत्री बनते हैं, केंद्र सरकार जब मंत्री बनाती है तो वहां का प्रधानमंत्री जो होता है, नेता होता है पार्टी का या जो सत्ता पक्ष का नेता होता है, वो अपने मंत्रियों का परिचय कराता है। और इस बार पहली बार युवा बहुत से मंत्री आए, जिसमें हमारे भाई अनुराग जी बहुत नौजवान, जिनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया, प्रमोट किया गया, अच्छा काम कर लिया अनुराग जी ने, तो मंत्री अपने प्रधानमंत्री जी ने उनको प्रमोट किया। तो वहाँ पर मोदी जी को परिचय ही नहीं करने दिया मंत्रियों का, क्योंकि उसमें युवा बहुत थे, हमारी महिला बहुत थी, हमारे SC परिवार के लोग बहुत मंत्री बने, OBC भी बहुत बने, और बिल्कुल नई टीम, अच्छी टीम बनाई मोदी जी ने। तो उनको लगा कि हमारा वोट बैंक खिसक रहा है, वैसे तो उनका वोट बैंक तो कुछ रहा नहीं हिंदुस्तान में, अब तो इसलिए वो विरोध कर रहे हैं, वो उनका काम ही विरोध करना है। मैंने पहले कहा ना नीति है, ना कार्यक्रम है, ना नेता है उनका, ना कोई योजना है,
हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत बहुत योजना है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और भाई अनुराग जी जहाँ हिमाचल को उसका बड़ा लाभ मिलेगा, हमारी पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत लाभ भाई अनुराग का हमें मिलेगा। हमें बहुत खुशी है कि भाई कब हमें मिलें और कब जिला मीपुर में आएँ। ढोल नगारों से लोग, आपने देखना कल और परसों किस तरह स्वागत वेलकम हम लोग मिलकर सब जनता करते हैं।